तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीलुकअप का अगला चैप्टर। इससे कि पहले इससे पहली वाली क्लासेस में मैंने आपको वीलुकअप से रिलेटेड चीजें बताई थी, और वीलुकअप में हमने बताया था किस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल शीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए वीलुकअप के कुछ और ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। समझ आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। ठीक है, एक्चुअली माइक्रोफोन में कुछ शो आ रहा था। ठीक है, अब हम बात कर एक छोटा सा था कि मैं मान लीजिए कि छोटा सा डेटा है हमारे पास, इसमें हम मैं यहाँ बनाता हूँ नेम एंड सेल्स, जो एग्जांपल हमने बनाने के लिए बोला था बट आपने बना के भेजा नहीं, मैं उसी चीज को आज भेज दूंगा। एक्चुअली कल कहीं चला गया था सर मैं। ठीक, नहीं बता देता हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, आप कुछ और काम कीजिएगा जो कि मैं दूंगा। ठीक है, चलिए तीन ही सीट रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। और मेरे पास तीन सीट पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, यहाँ पे जैन मार। अब यहाँ पे हमारा एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। नेम और यहाँ पे जैन फैब मार्च। यहाँ पे तो तीन ही शीट है बट हो सकता है इन फ्यूचर में हमारे पास ज्यादा शीट हो। अब मैं यहाँ पे अगर वी लुकअप लगाता हूँ और वी लुकअप में मान लीजिए हमने जैन को सेलेक्ट किया कॉमा टू कॉमा जीरो, अब मुझे फरवरी के लिए वापस रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। मार्च आपको अलग से रिपोर्ट लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि अलग अलग शीट है, ड्रैग करने से तो नहीं ना होगा? बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं फरवरी का रिपोर्ट लगाता हूँ, अभी जो तीन सीट है, लेकिन हो सकता है कि तीन चार पांच दस सीट हो, बीस सीट हो, ज्यादा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं फरवरी में लगा लिया, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला को अगर देखते हैं आप, अगर मैं फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, एक फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला टेक्स्ट शो करता है, फॉर्मूला टैक्स को शो कर दिया, दिखाता हूं। तो दोनों को देखेंगे कि सब कुछ सेम है, चेंज क्या है, जैन एंड फैब के बीच सर एक तीन लेटर्स जो है वो चेंज है। तो मैंने क्या किया कि इसको हमने डिलीट किया, अब बाकियों को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, और इस बीट को सेलेक्ट करके एंड पर्सन लगाया। अब एंटर मारने पे ये एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये चाहिए किसको, चाहिए रेफरेंस में चाहिए, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रेफरेंस में नहीं है। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल हम यहां करेंगे और फिर यहां पे एंटर मारते हैं। आगे रिजल्ट सर, अब आगे ड्रैग करने से पहले हम अपना फ्रीजिंग मेथड को पूरा कर लेते हैं और फिर इसको आगे की तरफ। अच्छा, इसमें हमने गलत कर दिया, इसमें टू नहीं होगा, ये थ्री। ठीक है सर, बिल्कुल। तो कल के डेट में अगर सीट नेम कोई और सीट ऐड होता है तो बस यहाँ पे सीट का हेडिंग लिखिए, जैसे मान लीजिए कि एक अप्रैल सीट ऐड हो गया, तो यहाँ पे एपीआर और यहाँ पे हम डेटा को रखते हैं। और इसको पेस्ट कर देता हूं।
अब इसके बगल में आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे एपीआर लिख देना है और फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। ओके आ गया। चलिए, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर रहा है इसमें? इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करेगा कि ये जो बताता हूँ फॉर्मूला, एवलेट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका A2 है पूजा, और अप्रैल, और देखा अभी इसने APR दिख रहा है आपको सर, दोनों को ज्वाइन किया। अब जब ज्वाइन होने के बाद जो हमारा रेफरेंस बना, वो रेफरेंस किसमें है, इन्वर्टेड कॉमा में। तो सीधा अगर इनडायरेक्ट में ना लगाओ तो वी लुकअप इसको क्या समझेगा, एबीसीडी नाम समझेगा, ये नहीं समझेगा कि वो अप्रैल कि अप्रैल कॉल अप्रैल सीट का कॉलर है। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट क्या करेगा, उसको रेफरेंस में कन्वर्ट करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये तो सीट वाइज हो गई, लेकिन कभी कभी एक चीज और जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा और है जिसमें मैं मान लीजिए कि पर्सन के नेम लिख देता हूं, और यहाँ पे मान लीजिए कि जिसका मई का सेल्स है पूरे 30 या उससे ज्यादा जो चलता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम जो है अपनी राइट सर। अब दूसरे सीट पे मैं यहाँ पे जो है नेम सिलेक्ट करूंगा, मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू नेम का लिस्ट बना दिया है मान लीजिए, और उसके नेम डालूंगा और मैं डालूंगा फ्रॉम टू कि भाई किस डेट से किस डेट तक का मुझे चाहिए। मुझे मान लीजिए कि मुझे डेटा चाहिए 1 मई से लेकर 10 मई तक का, ठीक है, या मुझे 10 मई से मुझे 15 मई का डेटा चाहिए। तो उस इस पर्टिकुलर नीरज का डेटा आ जाना चाहिए। समझ गया सर जी? तो यहां पे मान लीजिए मैं वी लुकअप लगाया, हमने सिलेक्ट किया नीरज को कॉमा, नीरज को कॉमा और डेटा, ये तो पहले सी पहला तो नेम फिक्स है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे कॉमा और जीरो कर दिया, लेकिन बाकी में यहाँ पे डेट आना चाहिए। तो हमने इक्वल किया और हमने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लिया। एग्जांपल याद होगा मैंने इफ फॉर्मूला बताया था, देन हम यहाँ लगाए कि इफ अगर इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन लास्ट डेट है, जो डेट है वो डेट है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज इसमें +1 करें, ठीक है। और इसमें एरर का, इसमें एरर के फॉर्मूले आने के चांस है, तो इफ एरर लगा के हम एरर के ब्लैंक चांस को कम कर देते हैं। और 10 के जगह 15 में कर देता हूं। उसके बाद इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा D5 फिक्स है, इसको हम फिक्स कर देते हैं। और फिर एक रिजल्ट में मुझे पता है कि 10 बीच कितना होना चाहिए, उतना इधर एरिया में हमने फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे वी लुकअप विथ मैच लगाएंगे, वी लुकअप नीरज, ठीक है, और हमने इसको डेटा में गए और डेटा में हमने अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, फिर वापस मैच लगाया, ठीक है ना। मैच में यहां पे हमने लिख दिया बी एट एंड हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग को इधर सिलेक्ट कर लिया, कॉमा जीरो। तो डेट के हिसाब से जो कॉलम नंबर है, दिख रहा है आपको कि जो कॉलम इस 10 मई किस कॉलम में डेटा में अवेलेबल है, उसका कॉलम नंबर जो है मैच दे देगा। हाँ। अब कॉलम नंबर आ गया तो मैच आगे डेटा भी उठा देगा। अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले मैं इसको फीच कर देता हूं, डेटा जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे। और यहाँ ब्लैंक जगह पे तो एरर आएगा, तो मैं यहाँ पे एरर का फॉर्मूला डाल देता हूं ताकि अगर है तो एरर ना, और एक संभावित जगह तक हम उसको ड्रैग कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा कि 10 से मेरा 20 होना चाहिए तो 20 मई तक का रिपोर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, ये हैश से आगे हर बार आपको ऑटो फिट करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे इसको सर, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ सिंक टू फिट। समझ गए। तो हर एक चीज की जरूरत कभी ना कभी पड़ जाती है सर। बिल्कुल। ये हमारा 1 मई से 20 मई तक का आ गया। अब इसमें एक चीज ऐड करनी है आपको, क्या ऐड करनी पता है ये, चलो मैं ही ऐड कर देता हूँ, आप कॉलम वाइज कीजिएगा ऐड, कि इसमें जो टोटल है ना, टोटल ऐड करना है, लास्ट में टोटल आना चाहिए इनका। ओके। और टोटल अपने हिसाब से बढ़ना और घटना भी चाहिए कॉलम के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया कि इफ अगर ए इक्वल टू ए है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आना चाहिए लिखा हुआ, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलेगा, ठीक है सर। और यहाँ D5 को फ्रीज कर दिया जाएगा, आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देता हूं, इससे क्या हुआ टोटल आ गया। अब यहां इफ एरर में यहां पे कमांड होगा, इसमें इफ का कमांड लगेगा, यहां इस पे लगेगा ना, इस पे एक छोड़ कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। इफ अगर ऊपर वाला हेडिंग इक्वल टू टोटल है, ठीक है, ऐसा है तो सम के अंदर में होना चाहिए ये, अदरवाइज जो चल रहा है तो चलेगा। ओके। ठीक है। और B9 जो है, B9 पहला फ्रीज हो जाएगा, पहला फ्रीज कर देंगे, ठीक है। हो गया। ठीक है सर। अब मैं 15 मई करता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वी लुकअप लिस्ट नेम, और हमने यहाँ पे जैन फाइव मान लीजिए 3 महीना डाल दिया और 3 महीना का टोटल मैंने यहाँ चल मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे डेटा को मैं रिपीट कर देता हूँ,
ये डेटा कई बार रिपीटेड है, दो 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 ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं प्लान से है ना रिपोर्ट इसी को उठा ले। यहाँ पे मैं मंथ को सेलेक्ट करूं, नेम सेलेक्ट करूं और मुझे यहाँ पे इनकी सेल्स आने चाहिए, ठीक है। ओके सेल्स आना चाहिए टोटल, टोटल ये सीरियल नंबर होगा। अच्छा सीरियल नंबर, तो इस सब इस कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे काउंट इफ से पता चलेगा कि इस कॉलम में कितने नंबर ऑफ कॉलम है। हाँ। और फिर मैं स्टार्टिंग वन दूंगा, यहाँ पे दूंगा कि इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे वो ग्रेटर देन थ्री होता है तो ब्लैंक, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर, ठीक है सर। प्लस वन, और फिर यहां पे हम इसको इफ एरर कमांड में लगाएंगे ताकि एरर आने के चांसेस ना हो। और इसको भी फ्रीज कर देता हूं मैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि वी लुकअप तो ये तो सीरियल नंबर हमारा बन गया, बट जो है कभी भी रिपीटेड वैल्यू को तो करेगा नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ एक कॉलन ऐड करते हैं और यहाँ भी हम काउंट इफ का फॉर्म बनाए, बट यहाँ पे काउंट इफ जैसे मैंने लगाया था वैसे नहीं लगाया, क्योंकि अगर मान लीजिए कि पूरा काउंट इफ मैंने ले लिया तो क्या होगा, थोड़ा तो हर जगह पूरी होगा, समझ गए, ठीक है। थ्री 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 बिल्कुल, मैं चाहता नहीं ये वन आए, जैसे पहला पूजा तो वन और जैसे यहाँ दूसरा पूजा है तो टू आए, तो उस केस में हम यहाँ काउंट इफ तो लगाएंगे लेकिन इसमें ओके फर्स्ट वन को फ्रीज कर दें एंड फर्स्ट वन को हम फ्रीज कर देंगे। सॉरी, और यहाँ पे हम फॉर्मूला देंगे इफ एरर का, इफ एरर इसको हमने फिर में कॉमा कर दिया, इसे माफ कीजिएगा इसमें इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कॉनकाटा नेट लगाना होगा डैश का सेपरेशन देके और मैं इसका नाम जो है इसके साथ कॉनकेट कर देता हूँ, हो गया कॉनकेट। यूनिक हो गया ना, वन पूजा टू पूजा सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेटेड है। अब मैं वी लुकअप लगाते समय इसमें हम इसको बोलते हैं वी लुकअप लिस्टिंग, इसका नाम मैंने दिया हुआ है सर। ओके पूरा लिस्ट की तरह वी लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। और हमने मैच लगा दिया क्यों, कॉलम है कॉलम बराबर लगाना नंबर है, ठीक है। अब नीचे को ड्रैग करना है तो एच सेवन का एच डॉलर फ्रीज होगा, पूरा फ्रीज होगा और ए भी फ्रीज होगा और आई सिक्स का सिक्स फ्रीज होगा और ए पूरा फ्रीज होगा, ठीक है। और ऐसा हो रहा है तो फिर इफ एरर भी लगा देता हूं लगने एरर देगा तो, और अच्छा ये मैच यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, एक जीरो भी लगाना पड़ा, ओके ब्लैक इट क्लोज होगा ठीक है। और आगे हमने इसको ड्रैग कर दिया और नीचे भी कई सारे जगह पे ड्रैग कर दिया,
अब आपको क्या करना है पता है सर? अब आपको यहाँ पे टोटल ऐड करना है जो कि मंथ टोटल दिखाएगा, और एक टोटल नीचे ऐड करना है जो कि कॉलम टोटल, कॉलम में जैसे यहाँ में लगाया हुआ जो जैसे घिसक रहा है जगह से अपने हिसाब से मैंने के अप डाउन हो रहा है, ऐसे अप डाउन होना चाहिए। क्लियर सर? बिल्कुल हाँ, तो इसका इस्तेमाल कीजिए और करके हमें भेजिए। ये वी लुकअप की हमारी लास्ट क्लास थी, इसके बाद और वी लुकअप को अपने तरफ से एनालाइज भी कर लीजिएगा। कोई डाउट या क्वेश्चन होगा, छोटे छोटे डाउट फोन कर सकते हैं, बड़े डाउट के लिए मुझे आप कल की क्लास से पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज की क्लास, आज की जो वीडियो है यूट्यूब पे भी जाएगी, आईबीटी इंडिया सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, आप ये एक्सेल शीट भेज रहे हो मुझे? हाँ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।